जिनके घर आ रहे हैं, जिनका हर कोई है, उनके लिए सही है, वो अपने घर में खा रहे हैं, बना रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जो रोड पे पड़े हैं वो क्या करेंगे? जब काम धंधे ही नहीं है तो आदमी खाएगा कहाँ तक, एक बात बताइए। दो दिन चार दिन अपने जेब से खा लेगा जो जुड़ा हुआ है, बाकी काम धंधे नहीं होंगे तो आदमी करेगा क्या, एक बात बताइए। यही समझ में नहीं हमारे तक। ये मेरे पापा हैं, 17 दिन हो गए आज इन्हें, ना इनसे कुछ खाया जाता ना पिया जाता है, और इनके दोनों जो लीवर की जो किडनी है ये सब मतलब थोड़ी वैसी हो गई, चोट लग गई जिसमें अंदर से दारू की वजह से, ड्रिंक करते थे पहले थोड़ी थोड़ी। आज हम दिल्ली के उन इलाकों में गए जहाँ बेघर परिवार रहते हैं बड़ी संख्या में, निज़ामुद्दीन है, मोदी मिल का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जो परिवार हैं उनकी जितनी बदहाली थी, बच्चे थे, औरतें थीं, बुज़ुर्ग थे, शायद कोई खाना बांटने पहुंचा है तो पूरी भीड़ के भीड़ लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, थोड़े से लोगों को खाना मिल कोई दे भी जाता है, बाकी लोग ऐसे ही बैठे हैं खाने के इंतजार में। हमारे पास तो अब सारा खत्म हो गया, पहले था भरा हुआ 5 किलो चावल पहले का, तो अब खत्म हो गया, आज जो बनाया ये देखो तेल का बोतल भी खाली हो गया, सारा चावल और खाली हो गया, अभी 100 रुपए का किसी से उधार लिए तो राशन मंगाया। इतना खराब है, अभी मैं उठ के आई हूँ, चलने नहीं होता है, कोई कोई पकड़ पकड़ के लेके जाते आते, छोटा बच्चा लेके बैठी बैठी बारिश में गिरा हो गया, पन्नी पुलिसन ले गया। गरीबों को कुत्ते के साथ मार रहे, एक बोतल पानी लेने जा रहे तो पानी लेने जा रहे तो पानी भी नहीं पीने दे रहे, तो हम क्या करें, भूखे मर जाए प्यासे मर जाए तो बताओ, गरीब आदमी है, कुछ नहीं है हमारे पास, देखो ऐसा मारा था, खून निकाल दिया, हम नहीं बोला सकते ना उनके कंपनी, देखो डंडे मारा था ऐसे लोग, भीख मांगते ना, देखो भीख मांग रहा था लाल बत्ती में 10-5 रुपए की, अब चाय है बाबूजी क्या करेगा, चाय तो पिएगा आज। यहाँ पे एक चाय हम 10 रुपए की लेंगे तो उसमें से हम 4 जने पी लेंगे थोड़ी 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 करके, है ना, 2 चाय मिलती है इतनी इतनी सी, क्या करेगा इंसान। 50 रुपए का 1 किलो टमाटर, 50 रुपए का 1 किलो, 40 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो आलू, रात को मिल जाता तो सुबह नहीं, सुबह मिल जाता तो रात को नहीं, ऐसे मिल जाता थोड़ा बहुत खा के गुजारा कर, वही खा गए सर, अब कुछ नहीं हमारे पास है, हमारा कोई नहीं बेटा याद कर, कोई नहीं बांटने आता, खाने कमाने हम भूखे प्यासे पड़े भाई साहब। समाज में हम और आप जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारा फ़र्ज बनता है कि जिस हद तक हमारे लिए संभव है हम लोग कोशिश करें 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोगों को अगर हम खाना देने का इंतज़ाम कर सकते हैं, उतने लोगों की ज़िंदगी उतनी और बढ़ जाएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पे ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो ऐलान अब कर रही है कि हम इतने हज़ार इतने लाख लोगों को खाना मुहैया करेंगे, साधनों की कमी नहीं है सरकारों के पास, इस अंतिम व्यक्ति को पहचानना, सम्मान के साथ उनके पास पहुंचना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इनके लिए, गरीबों के लिए सर को रक्षा करो, कहा तलक ये भूखे प्यासे मर जाए, दुकानें बंद हैं, पैसे भी नहीं जो खरीद के खा लेंगे, अभी यही बांटने जो आता है उसी से मिल बांट के सब खा जाते हैं, बाकी अपने जो घर में पैसे है उससे हम बना के 2-4 बंदे खिला रहे हैं, जो मजबूर मजबूर है उनको हम खिला रहे हैं, हम इसलिए खिला रहे, पैसे बचाए क्या करेंगे, मर जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, पैसे ले क्या करेंगे, हाँ उनके पुण्य लगेगा क्या बता, कहीं और जगह हमको ज़्यादा पैसे मिल जाए।